एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 8। फिगर हमारे पास दी हुई है एक ट्रैक की, ठीक है, रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कल्स, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस, तो यानी ये जो इनर पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये ए से बी तक, इनका डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है, 106 मीटर, ठीक है। इनर पैरेलल लाइन, द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन, यानी ये जो पैरेलल लाइन है इनका डिस्टेंस दिया हुआ है 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर, एंड दे आर ईच लॉन्ग दी हुई है 106 मीटर। डिस्टेंस दिया हुआ है हमारे पास दोनों पैरेलल लाइन का 60 मीटर, और ये लॉन्ग दी हुई है 106 मीटर। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक दिया हुआ हमारे पास 10 मीटर वाइड, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जो इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो हमने इसका इनर एज का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। इनर एज हमारे पास क्या है, डिस्टेंस अराउंड द एज, तो हमारे पास पहले तो देखो ये ए बी, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो ए बी आ जाएगा, एक हमारे पास क्या आ जाएगा, सी डी, ए बी और सी डी, और ये जो ये है ये हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल है, और कितने सेमी सर्कल है, 2 सेमी सर्कल है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंसेस प्लस सर्कमफ्रेंसेस ऑफ 2 सेमी सर्कल, ठीक है। अब एबी की लेंथ तो हमें मालूम है, एबी की लेंथ कितनी है, 106, सीडी की लेंथ भी हमारे पास 106 है, और सर्कमफ्रेंसेस सेमी सर्कल का क्या होता है, 2 सेमी सर्कल है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू 2πr, ठीक है, ये 2 के साथ 2 कैंसिल, 106 और 106 212, ठीक है, और ये हमारे पास क्या बचा, 2πr, ठीक है। तो इन्होंने r क्या यूज करने, पाई क्या यूज करने के लिए बोला, 3.14, ठीक है। और रेडियस आप बता सकते हो, ये इसमें डिस्टेंस हमारे पास क्या दिया हुआ है, 60, तो इसका रेडियस हाफ कितना होगा, 30, तो रेडियस हमारे पास कितना है, 30 मीटर, तो 212, पॉइंट हटा दो 100, 0 के साथ 0 कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास 2 के साथ ये 5, तो ये आ गया आपके पास 314 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, 314 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, तो 212, 314 इंटू 3 हमारे पास क्या होता है, 942 डिवाइड बाय 5, 212, 942 डिवाइड बाय 5, ये होता है हमारे पास 188.4, तो हमारे पास आंसर आ गया 400.4 मीटर स्क्वेयर, ये आपका आंसर है। ये किसका आंसर है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रैक फाइंड आउट करना है, तो पहले डायग्राम द्वारा बनाते हैं। अब हमने ये ट्रैक का एरिया फाइंड आउट करना है, ये पहले इसको मिला देते हैं, ये हमने नाम दिया था ए बी सी और डी, ठीक है, और ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये कितना, 10 मीटर है, ठीक है, और इनको भी नेम दे देते हैं ई एफ और जी एच, ठीक है। अब हमने एरिया किसका फाइंड आउट करना है, ये वाला ट्रैक का, अब ट्रैक का एरिया देखो, ये हमारे पास ए बी एफ ई, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है, और सी डी एच जी, ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, और ये दो क्या है, ये बड़ा सेमी सर्कल है, ये छोटा।
अगर हम बड़े सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करके उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ट्रैक का एरिया आ जाएगा। तो ट्रैक का एरिया हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई एफ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी एच जी प्लस टू सेमी, यानी सेमी सर्कल जो दोनों सेम ही है इनकी लेंथ वगैरह, ठीक है, जो भी से रेडियस वगैरह। तो एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल। तो इनको सॉल्व करके हमारे पास एरिया ऑफ ट्रैक आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई एफ, तो ये किसके इक्वल होता है, एल इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ तो हमारे पास गिवन है 106 और ये कितना वाइड है 10 मीटर, तो ब्रेथ कितनी है 10, तो ये कितना आएगा 1060 मीटर स्क्वेयर, ठीक है। इसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी एच जी, ये भी एल इंटू बी, ये भी 106 इंटू 10, ये भी कितना आ गया 1060 मीटर स्क्वेयर, ठीक है। अब आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स। एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स तो ये किसके इक्वल होता है, टू एरिया ऑफ बिगर सर्कल, बिगर सेमी सर्कल। तो बिगर सेमी सर्कल इसको हम कैपिटल आर बोल देते हैं और स्मॉल सेमी सर्कल को स्मॉल आर बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें से देखो पाई बाय टू कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या रह गया, आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, टू के साथ टू कैंसल, तो पाई की वैल्यू 22/7। अब बिगर रेडियस देखो, ये हमारे पास था 60, ये 10 है, ये 10 है, तो टोटल कितना हो गया 80 हो गया, तो 80 का हाफ क्या हो जाएगा 40। तो बिगर रेडियस हमारे पास क्या हो गया 40 का स्क्वेयर और माइनस 30 का स्क्वेयर। अब इनको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी 40 माइनस 30 और 40 प्लस 30, तो यहां करते हैं सॉल्व 22/7, 40 माइनस 30 10, 40 प्लस 30 70, इसके साथ 10, तो ये आ गया 2200 मीटर स्क्वेयर, ये आ गया एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स, ठीक है। अब हमारे पास ट्रैक का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक, तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर 1060, 1060 22 00, इन तीनों को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 4320 मीटर स्क्वेयर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8th। तो हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।